कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग शहर विधायक ने कोरोना की समीक्षा करते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था देखी। साथ ही कहा कि कोरोना से निजात पाने 625 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। संक्रमण की तीसरी लहर से जंग लड़ने को हम तैयार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच काफी संख्या में आमजन चपेट में आने लगे हैं। संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे की सतर्कता आवश्यक है। जनता को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध विधायक अरुण वोरा ने किया है। साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए हर संभव प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर एवं जिला अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल को दिया। गौरतलब है कि कोरोना समीक्षा के दौरान वोरा ने कहा कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना चिंताजनक बना हुआ है। मरीजों में लक्षणों की जो तीव्रता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में भर्ती मरीज व होम आइसोलेशन के पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारियां ली। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदूर में 625 ऑक्सीजन बेड आईसीयू सहित व्यवस्था की गई है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु 3 प्लांट में कार्य किया जा रहा है, जिससे जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर बहुत गंभीर है। टेस्टिंग के सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। विधायक वोरा ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते ग्राफ एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम प्रशासन लगातार कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों व भीड़भाड़ वाले एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में जनता के सहयोग से इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर से जंग जीतने कामयाब होंगे। कोरोना से बचाव की व्यवस्था लेने कचांदूर अस्पताल पहुंचे महापौर धीरज बाकलीवाल, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, संजय कोहले, एल्डरमैन राजेश शर्मा, साथ ही चिकित्सक मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।